ब्रोज क्या हाल है। तो मैं हूं आपका ब्रो सिद्धेश और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है एलोपेशिया। एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस, और एलोपेशिया एरियाटा एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से आपके बालों पे कॉइन शेप्ड हेयर लॉस होता है। तो ब्रोज, एलोपेशिया ये बीमारी आपको बच्चों में भी दिखाई देगी, एडल्ट्स में भी दिखाई देगी, यंगस्टर्स में भी होती है और एल्डर्स में भी होती है। तो एलोपेशिया कैसे होता है? तो एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून यानी कि आपका इम्यून सिस्टम खुद से ही आपके बालों को अटैक करता है, आपके बालों के फॉलिकल्स को, जिनको हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, उनको आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है और उसके वजह से आपको हेयर लॉस होता है। तो ब्रोज, आज के वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे तरीके, ऐसे नेचुरल तरीके और ऐसे चीप अफोर्डेबल तरीके जिनको जान के आपका एलोपेशिया एरियाटा टोटली खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलोपेशिया एरियाटा के कॉजेस क्या है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो उसके कॉजेस तो जानना चाहिए ना, तो ये रहे। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक्स। एलोपेशिया एरियाटा जेनेटिकली पास डाउन होता है। तो ब्रोज, अगर आपके दादाजी को एलोपेशिया एरियाटा होगा, आपके पापा को एलोपेशिया होगा, या ग्रेट ग्रैंडफादर या दादाजी के पापा को भी अगर एलोपेशिया एरियाटा होगा तो आपको भी एलोपेशिया एरियाटा होने के चांसेस है। तो आपको यहाँ पे प्रिवेंट करना है एलोपेशिया, और कैसे प्रिवेंट कर रहे आपको बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ब्रोज, एलोपेशिया में कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं है। एलोपेशिया कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि आपके एस्थेटिक्स में फर्क पड़ेगा, एस्थेटिक्स यानी कि आपका लुक। और एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ यार, कि एलोपेशिया ये बीमारी कंटेजियस नहीं है, यानी कि छुआछूत से ये बीमारी नहीं होगी। तो आप उसका टेंशन ना ले, कोई भी आपको छुए या जिसको एलोपेशिया है वो आपको छुए तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। इतना कॉसेस आपको बताने के बाद यार सोल्यूशन बताना तो पड़ता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ। तो ब्रोज, एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट डॉक्टर्स मोस्टली स्टेरॉइड्स रिकमेंड करते हैं। ये स्टेरॉइड से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और साइड इफेक्ट्स होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आपको मैं बोलूंगा, आपका भाई बोलेगा कि यार स्टेरॉइड्स अवॉइड करो, इवन इफ डॉक्टर रिकमेंड्स यू। एलोपेशिया एरियाटा ये बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए या ये बीमारी को ट्रीट करने के लिए नेचुरल सॉल्यूशंस है, नेचुरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो क्यों जाए स्टेरॉइड के पास यार, कोई जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है वो नेचुरल सॉल्यूशंस। तो यार ये सब तो आपके घर पे भी पड़े हुए हैं, लिटरली आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज आपके एलोपेशिया को ट्रीट करेगा। तो वो है सबसे पहला चीज, ऑनियन जूस। यस, दैट्स राइट, ऑनियन, जो आपके घर पे भी है यार। हर इंडियन, हर भारतीय के घर में तो ऑनियन होता है। तो यार ये ऑनियन यूज करो और एलोपेशिया को भगा दो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ऑनियन छीलने हैं। ऑनियन छीलने के बाद उसके अच्छे से पीसेस करने हैं। एक बार उसके अच्छे पीसेस हो जाए तो उसको एक ड्राई कॉटन क्लॉथ में ले लो और उसको अच्छे से मरोड़ो, एकदम अच्छे से मरोड़ो, ऐसा मरोड़ो कि उससे जूस निकलेगा। और ये जूस आप स्टोर करो और आपके बालों पे, जहां पर भी एलोपेशिया है या फिर भी अगर एलोपेशिया नहीं भी होगा तो आप ये बालों पे लगा लो, बिकॉज ऑनियन इज हाई इन ऑर्गेनोसल्फर। ऑर्गेनोसल्फर यानी कि MSM। MSM एक ऐसा सल्फेट है जो आपके बालों पे हेयर ग्रोथ ट्रिगर करता है और आपके हेयर लॉस को दूर भगाता है। तो दोस्तों, हमारे ब्रोफ्लो के बेवैक्स में MSM एक मेजर इंग्रेडिएंट है। तो बेवैक्स लगाए, आपकी हेयर लॉस की चिंता, डैंड्रफ की चिंता को दूर भगाए। सेक्सी हेयर, सेक्सी फिनिश, सेक्सी वॉल्यूम और मैट फिनिश देता है हमारा ब्रोफ्लो का बेवैक्स। तो अब भी के अभी जाके प्री ऑर्डर कीजिए ब्रोफ्लो का बेवैक्स, प्री ऑर्डर इट राइट नाउ। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस इट, बिकॉज जल्दी ही लॉन्च होने वाला है हमारा ब्रोफ्लो का बेवैक्स। तो यार जाओ प्री ऑर्डर करो। तो ब्रोज, सेकेंड नेचुरल रेमेडी जो है वो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल के 2-3 ड्रॉप आप आपके कैस्टर सीड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल में डालो और आपके बालों पे लगा लो, आपके हेयर लॉस की चिंता, आपकी एलोपेशिया की चिंता वहीं खत्म हो जाएगी। तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो आपके बालों के लिए तो बहुत यूजफुल है, बिकॉज उससे आपका हेयर लॉस, आपका डैंड्रफ, हेयर ग्रेइंग, ये सब चीज़ें की चिंता आपकी दूर हो जाती है।
आपके बाल में वो हेयर ग्रोथ ट्रिगर करता है। तो दोस्तों टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी हमारे ब्रोफ्लो के बेवैक्स में है, तो यार वेट क्यों कर रहे हो यार, जाके अभी का भी प्री ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि हमारा ब्रोफ्लो का बेवैक्स इज ऑल नेचुरल, हैज टी ट्री एसेंशियल ऑयल इन इट एंड ऑल्सो हैज MSM, इतनी सारी चीजें जो आपके बालों की अच्छे केयर करेगी और उसके साथ ही आपको अच्छा खासा होल्ड और वॉल्यूम देगा। यार ये इंडिया के मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ अभी के अभी जाके इसको प्री ऑर्डर कर दो। तीसरी चीज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि कैस्टर सीड्स। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा रहेगा कि कैस्टर सीड्स आप घिसो 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 और उससे जो ऑयल सिक्रीट होगा वो आपके जहां पे भी आपको एलोपेशिया हुआ है वहां पे लगा लो। तो ब्रोज जितने भी चीजें जितने भी ट्रीटमेंट्स नेचुरल ट्रीटमेंट्स आपको मैंने बताया है, तो जाओ अभी के अभी लगाना स्टार्ट कर लो और विद इन फ्यू मंथ्स आप देखो कि आपका एलोपेशिया गायब हो जाएगा। यार ट्रस्ट मी ब्रोज, ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तो ब्रोज यार इतना हेल्पफुल वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट तो दिखा दीजिए, जाओ लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो यार, ब्रोफ्लो को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड या कोई भी मेंस ग्रूमिंग रिलेटेड, तो यार फील फ्री टू कमेंट एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज योर ब्रो सिद्धेश साइनिंग आउट। मुझे जान ब्रो।